बड़ा कमाल था, अंबल नारक है ना, बड़ा अच्छा। अस हिंदुस्तानी इस गल्ला पर बड़ा फख्र करी सकने हैं कि जितों थोड़ी जबाने का उपभाषा भाषा बोलियां उपबोलियां इंदा सवाल है। अस बड़े अमीर लोग, दुनिया सारे कोला अमीर लोग, साढ़े को जिन्निया भाषा उन्ने गै साढ़े को लोक गीत न, और उन्ने गै हर वक्त गाए जाने वाले, जियां जागत जम्मिया तां अस कुड़ियां गाने आ, जिस कुड़ियां जम्मन ते तां अब भी किश नहीं गांदे, हुण भी किश नहीं गांदे हैं, मतलब कुड़ियों उपर कोई ज्यादा कुसै ने कदे बड़ा महत्व नहीं दिता कुड़ियों पर, पर जिले जागत जमदे ब्याहियां आखते होंगे छड़ियां जागत जमने पर गांदे ब्याहियां, फिर इंदे ब्याहें पर कारजें पर जनेऊ होआ दे हर वेलै, लाड़ी सौरे जा दी, लाड़ी प्योकै जा दी, लाड़ी सौरे दा आवा दी, हर वेले उपर मतलब है साढ़े कोल लोक गीत न। ते जिथों तक लोक गीत का सवाल है, जिन्नियां भी भाषा हिंदुस्तान दी हैं सारे च बड़े लोक गीत न, सिर्फ डोगरी च गै नहीं हैं, कश्मीरी च बड़े लोक गीत न। एक उत्थें वन वुन होंदा है, चूंकि मैं जम्मू कश्मीर दी हाँ इस करियै मिगी कश्मीरी भाषा आउंदी भी है, और मिगी उंदे लोक गीत भी बड़े आउंदे न। ते हबा खातून दी बड़ी वड्डी लेखिका ही, पोएट्री, ते मैं हमेशा उनेंगी प्रणाम करनी आं, हमेशा जिसलै असेंगी बोलने का मौका मिलता है ते उस वेल्लै भी सही होंदा कि उस वेल्लै अगर कैमरे होंदे ते उंदी भी कुतै अस शक्ल दिक्खी सकदे हे, उंदी आवाज़ सुनी सकदे हे, उनेंगी बोलदे होई दिक्खी सकदे हे, उनेंगी कम्म करदे जियां जियां ओह् करदियां हबा खातून, अरनीमाल, ये बड़े साढ़े पुराने जिहड़ियां लेखिका हियां, ओह् सिर्फ कश्मीरी हियां, मतलब डोगरी विच लोक गीत बड़े, बहुत ज़्यादा लोक गीत साढ़े डोगरी च, हर वेले दे लोक गीत न। पर पोइट्री लिखने वाले बड़े, कविता लिखने वाले बड़े घट्ट लोग हे, ते ओह फिर जिस वेले कविता लिखोन लगी ते मी चेता, पता नहीं बड़े लोकें भी अज भी चेता होना है कि पक्के डंगे प्रशांत होंदे त्री दुए छत्तै त्रीए छत्तै पर एक निक्का नेहा कमरा होंदा हा जिथे 25-30 जने इ'यां बड़े गुरमुठ होइयै बैठे दे होंदे हे, ते उत्थे अस मम्मी जंदी होंदी ही, ते मैं इक्कली कुड़ी होंदी ही, मी इन्ना डर लगदा हा कि जने मेरे पिता जी दे दोस्त भी आए प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, जिन्हें साड़ी डोगरी गी इकदम नवां रूप दिता, डोगरी च लिखने दी गल करी है, डोगरी च लिखी है, डोगरी च राइटर बनाई है, डोगरी संस्था शुरू कीती जिहड़ी अज धोड़ी चला करदी है, डोगरी संस्था च गै फिर सारे लोग आउन लगे, इ'यां इक डोगरी दी सॉर्ट ऑफ बात मी थुआढ़े कन्नै करा करनी है ना। ते ओह फिर इ'यां होंदे होंदे लोग लिखने शुरू होई गए, यश शर्मा इन्ने अच्छे गीत गांदे हे, नेहा रिहा हा उंदा कि लोग टहू जंदे हे सुनने, वेदपाल दीप, फिर केर सिंह मधुकर, ये सारे सारे कोला बड़े इंदे च आखना चाहिदा दीनू भाई पंतुर, शहर पहलो पाल गए, वह एक जगह खड़ोते हैं राजे की मंडी च, जियां जाइए राजे की मंडी तो सारे दिखी दी है जम्मू च, तो राजे की मंडी चो एक जगह खड़ोते 30-40 जने किट्ठे होइए उंदी कविता सुनते होंगे, तो दीनू भाई पंत होर इन्ने समझनी सारे को पहले सारे शायर उन्दे कोला पहले कुछ लोग लिखे पर बड़ा घट, उस ज्यादा नहीं, किलिया बत्तना छोड़ी दिता एक गीत हा जोड़ा लिखुआ हा पहले उसके कोला पहले, ये फिर पंत होर गै शुरुआत की, बाकी फिर सारे जने लिखन लगे, सारे जने कविता पढ़न लगे, यश होर गीत गान लगे, यश होर मतलब है इं हमी महाराणी साहब ने एक बार आख्या डॉक्टर करण सिंह हुंदी महाराणी साहब ने आख लिया पद्मा जी यश होर आए दे होन ते मुशायरा जिहड़ा नची पाउंदा है कि जी वह गाते भी एडा अच्छा न, और कविता भी गीत भी उंदे बड़े शैल हुंदे हे, दीप साहब बड़ी अच्छी गज़ल बड़ी अच्छी कविता लिखते हे, फिर मधुकर ने ही कुन्ने लिखनी, मधुकर ने एक कविता लिखी दी है जिस सुनिया मैं रोई पई, मैं कदें कुसै की कविता सुनिया नहीं रोंदी, वह भी रोंदी हूँ घट्ट हाँ जरा घट आ कविता रोने की, तो मधुकर होर डोला कुल ठप्पिया उनकी कविता ना अंबड़ी का द्वार ना ये सस्सू का घर बार डोला कुल ठप्पिया कि होंदा हा कुड़िया ही लिए जाते हैं ब्याही है तो दोनों धड़े की कोई लड़ाई शड़ाई हो जाती है तो वह कुड़ी की मतलब है जी रस्ते च पालकी
खडेरी ते पानी पीया जाइयै जां केह् इसी आखदे न उ'आं उ'नें खड़ोइयै लत्तां दिक्खनी होन भाई पालकी चा निकलियै खड़ोई सकदी बी है जां नहीं, ते ओह् जाइयै पानी पूनी पींदी ही, मूंह शूंह धोंदी ही, फ्रैश होंदी ही। ते केईं बारी एह् होंदा हा कि कुसै एह्दे इस वजह कन्नै जे दोनों धड़े दे जेह्ड़े कुड़म हे उंदियां लड़ाई होई दी होंदी ही ते कुड़ी गी धिक्का देई ओड़दे हे। में इक ओह् डबर भी दिक्खी दी है जित्थें कुड़ी गी धिक्का दित्ता हा, ते ओह् फिर एह् दस मोहदे पर डोला कुन टप्पिया के ना सस्सू दा घर ना ए अंबड़ी दा घर बार क्या मधुकर लिखने आले बड़े बड़े घट्ट न साढ़े कोल खैर। ते ओह् फिर इ'यै में भी उत्थें उठी आई, फिर में भी गीत शीत लिखने शुरू कर दिते। काफ़ी देर में लिखती रही, जल्दी ही इ'यां चुप करियै बैठे दे रौह्ना ते कविता सुनानी ते उठी आना, पर शौक बड़ा हा कि कविता लिखनी जरूर है। वो असल च है कि मेरी एक सहेलड़ी का भ्रा दुष्यंत रामपाल उनका नाम हा, उन्हें कॉलेज एक फंक्शन करवाया, अस फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं दसवीं पास करिए ग्यारहवीं आते हैं, तो वो आख लगे कि पद्मा तू उन्हें पता हमें कविता लिखनी, आख ले जे तू कविता पढ़े तो अस तेरा नाँ दे पद्मा शर्मा नहीं अपनी आख ले सारे में देई उड़िया। ते उत्थे में जाइए गीत पढ़िया गाइए पढ़िया, उहदे बाद मेरे हाथ पैर कंबल लगी पे और मेरी कुड़ी जिहड़ी चंद्र रामपाल ही दुष्यंत रामपाल उनकी भैन वो फिर मेरी सहेलड़ी ही कन्नै लेई आई, ते असें पानै आह्ली हट्टी पर जाइयै पानी पीता। में उसी आखेआ पानी पिलाया भ्रावा, वो आख लगे जी खत्म होई दा जेह्दे पान रखे दे ओह् पानी पेदा, मैं इ'यै पिलाई ओड़ कोई डर नहीं। पानी पीता ते घर गए, इन्ना डर लगता अगले दिन सारियां अखबारें छपी कविता, मी एड्डी शर्म आवै में दिक्खा नहीं अखबार कोई। एह् 1950 दा जमाना है ना, बड़ा चिर होई गेआ। ते उस वेले फिर मैं लिखना शुरू करी ओड़ेआ, मुशायरे च भी जान लगी, और जियां रामनगर गए एक बारी मी सारे जने लेइयै गए, ते में उंदे कन्नै नहीं बैठी मंच उप्पर, ते में जमीन उप्पर बैठी दी ही, ते ओह् जनानी इक आख लगी, इक कुसै ने पुछेआ इत्थूं दी नहीं है कुड़ी रामनगर दी, तू कौन है? मैं आखेआ मेरा नाम पद्मा, ते तू इन्हें रास्ता दी कन्नै आई दी? आखेआ रास्ता दी में मनाई सोचा में जी हाँ जी। ते में कविता जिसलै पढ़ी ते सारे बड़े खुश होए, और जिस शुरू दी कविताएं च बड़ियां कविता हुई, पर जिस कविता कोला सारे जने मनी लिया भाई ये लिखदी है कवित्री है, वो ही मेरी राजे दियां मंडियां, जेड़ी मेरी राजे दियां मंडियां कविता है एदी एक कहानी है। एक्चुअली में कॉलेज नहरा पर हुंदा हा, ते अस कुछ तीर्थ म्हल्ले रौंदे हे, ते में उत्थों आवा करदी ही, ते मेरे कोल इक आना हा, आना उन्ने दिनें च बड़ा हुंदा हा। में आखेआ अज्ज पूरे आने की बर्फ खरीदनी है, ते जाइए सारा पानी पी लैना ठंडा, इन्नी त्रेह लग्गी दी। में टुरी घर आई ते जिसलै अदूं साढ़े बेड़े च जेह्ड़े रौंह्दे हे उत्थें जंदरे नहीं लगदे, कोई खोलदा नहीं हा कुसै दा घर, ते में दिक्खेआ साढ़े घरै दे अग्गें गर्मी बड़ी, ते इक जनानी मुट्टी चादर लेदी ते बैठी दी, ओह्दे उन्नै गले च भी ओह् के इसी आखदे न कि चांदी दा हार नेहा पाए दा हा, हत्थे च मरीदे हे है, कन्ने च कुंडल हे, मी चेता चंगी तरह, और जनानी ते ओह् बैठी दी ही। में सोचेआ पता नहीं माता जी ने कोई बाहर गेइयां जां माता जी दी कोई सहेलड़ी है, में दरवाजा खोलियै अंदर गई, पर में सोचेआ पहले इसी पानी पुछी लै, फिर में पानी बनाया उसी जाइयै दिता, वह पूरा लोटा पानी का पी गई, उन्हें मुँह पर भी छिट्टे मारे। तो मी फिर अंदर आने सोचे इसी बड़ी भुख लगी दी होनी है, मतलब है जियां वह लब्भा दी ही मी के बड़ी उट्टी दी है, उ'आं उत्थे छां ही जित्थे ओह् बैठी दी। में उसी त्रै चार खमीरे आनियै दित्ते, उप्पर चार पाया अम्बै शंबै दा, ते ओह् बी उन्नै खाई लिया, फिर में उसी होर पानी दित्ता, उन्नै ओह् बी पी लिया, उन्नै मी कक्ख नहीं आखेआ। मी फिर में सोचेआ इहदी चादर केड्डी मुट्टी है, में आखेआ तुसी चादर राती लैओ जिसलै सौंदियां होंदियां, ते में तुसें उप्पर लैनी पतली मलमला दी चादर देई ओड़नी आं। आनियै में उसी मलमला दी चादर लैती, उन्नै फटाफट मलमला दी चादर कीती, ते ओह् मुट्टी चादर तैह करियै सिरै उप्पर रखी लेई, ते धुप्प नहीं लग्गे उसी जिल्लै जाग, ते फिर उठियै टुरी पेई, में भी ओह्दे कन्नै टुरी पेई। मेरे इक हत्थै च लोटा
बर्फू आला ते दुए हत्थै च में अपना दुपट्टा पकड़े दा नुहाड़े पिछे पिछे साढ़े घरे दे सामने बजीरें दे घर न उन्हें बजीरें दे घर दिक्खेआ बेड़े बिच खड़ोती मैं तद तक सोचा करती कनेही जनानी दिक्खो में इन्नी सेवा की ते ये बिल्कुल नहीं मैं आखा दी कुड़ी तू बड़ी चंगी है मैं उसलै बड़ा मान आखदा उस जमाने च सुनने दा जे कोई आख्या ये बड़ी चंगी कुड़ी है उन्हें कख नहीं आख्या उझल ही मोए दी तो जेल्लै जान लगी तो उन्हें इ'यां दिक्खिया आख लगी बुआ ये राजे दियां मंडियां तुद्दियां न ये आखिया हो गई उठी मैं इन्ना प्रभावित किया उस गल्ला ने बुआ ये राजे दियां मंडियां तुद्दियां न घर कोई ना हा बेड़े च भी जेड़े ऐहे वो अपने अंदर सुते दे होने मैं घर जाइए दरवाजा खोलिया साढ़े घर पिता जी मेरे की इक्कै कुर्सी ही किसी पिता जी ने रे 1947 मेरे पिता जी प्रोफेसर हे प्रोफेसर जयदेव शर्मा तो उनकी कुर्सी पर मैं बेहिया एक कविता लिखी ये राजे दियां मंडियां तुद्दियां न ते वो कविता है जिस कविता कोला मैं अज भी जानते ते ओ कविता में तुसें शुरू च सुनाई दिन्नी आं दो त्रै ओहदे बड़ी लंबी कविता है दो चार छंद ओहदे में सुनाई दिन्नी आं ये राजे दियां मंडियां तुंदियां न ये राजे दियां मंडियां तुंदियां न आऊं गई गुआची दी घरै थमां मेरी जोत खवाची दी बरें थमां मिगी अन्नी करी जिवें सुट्टिया हा मेरा बाड़ूए चा बूटा पुट्टिया हा मेरे बूटे की बूर भी पेदा नेहा मेरा सज्जन दूर भी गेदा नेहा जिन्हें कंबदियां टालियां पुट्टी लियां दंदल दराटियां तुंदियां ये राजे दियां मंडियां तुंदियां मूंह पेदा ग्राह जिन्हें खूसी लिया अन बनिया लहू जिन्हें चूसी लिया साढ़े पुजने तड़फने रोने आला दिन जिन्हें शाई गी दूसी गया साढ़े कबदे हत्थें गी सुटी सोटू छुड़िया अक्खियें अग्गे नी एक लोटू जेड़े फंडिये साढ़े पटार ले गए उंदे लद्दी दियां घोड़ियां तुंदियां ये राजे दियां मंडियां तुंदियां कंधा उच्चिया छोन शमाने कन्नी मैल तकड़े माल खजाने कन्नी ये इट्टा सुबेर अग्गे पांदियां नी साढ़े लम्मे दा चेता करांदियां नी साढ़े मुंडे भरा उतरे छतीर जिथे बगे पिंडे चा परसे दे नीर जिथे जिन्हें धुप्पा सड़ी एक ही कंध चाड़ी ये उंडियां मंडियां तुंडियां न ये राजे दियां मंडियां तुंडियां न बोले कन्ने की तोफ सुनाई गई हम अज भी 12 बजाई गई 12 बजे छुट्टी होंदी उन्ने दिन बड़े सत्त बजे जंदे हे 6 बजे लोग कम करन बोले कन्ने की तोप सुनाई गई अं अज भी 12 बजाई गई मेरे चन्ने दे चढ़ने दा बीला होआ कोई छेड़ छूका नहीं गैला होआ ना गै पैर दौड़िया लैन गए आले सज्जने दे नहीं सहन गए ना गै पैर दौड़िया लैन गए आले सज्जने दे नहीं सहन गए अत्ती बत्ता दा घेरिए ले गई गां गोए दियां खड़ियां तुंदियां न ये राजे दियां मंडियां तुंदियां न जिथे हक कुसै दा होई गेदा निक्के हुंदे दा गै लेई कोई गेदा नैन जिसकी दिक्खी पसोई गेदे मन अपना आप बटोई गेदे जेह्दे चेते च दिन नी रात लब्भै जेह्दा नां लेई छेड़ी जान सब्बै जेह्ड़ियां बैठियां कौल कराए घरे एह् ओकियां आत्मा तुंदियां न एह् राजे दियां मंडियां तुंदियां न भी चेता है यश शर्मा हुंदे घर कवि सम्मेलन वहा बड्डा नया पसारा हुंदा सारे आए दे रामनाथ शास्त्री होर दिंदू भाई पंत होर और जिन्ने साढ़े पोइट लोग सारे उत्थे बैठे थे ते मैं कविता पढ़ी ही ते सारे जने मतलब है उसलै समझी लिया जी ये कोई कवित्री होई गई है ते बस ठीक है ते अज भी मी राजे दियां मंडियां फिर उंदे पर बड़ियां परोटियां भी बनियां ये नवियां लाड़ियां तुंडियां न ते राजे दियां मंडियां तुंडियां दियां करी कुड़ियां